हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेट इज LC ऑक्सीलेशन। इस पर्टिकुलर ऑक्सीलेशन में होता क्या रहता है बेटा, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लगातार कन्वर्ट होती रहती है मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी लगातार कन्वर्ट होती रहती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इस टॉपिक को सीखने से पहले मैं आपको एक बार 11th क्लास में वापस लेके जाना चाहूँगा। वहाँ पर आपने एक चीज़ सीखी थी, डेट इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम, और उस सिस्टम में होता क्या था उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब इस स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को उठाकर पीछे लेके आता हूँ। अब ये ब्लॉक अगर यहाँ पर आएगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन पर आप बोल सकते हो कि इस सिस्टम के पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। जैसे ही मैं रिलीज करूँगा, स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचेगा और ये ब्लॉक भागता हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अब कोई भी स्प्रिंग में स्ट्रेच नहीं है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, जीरो। परंतु मोशन की वजह से स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब क्योंकि मोशन में है तो ये ब्लॉक यहाँ पर रुकेगा नहीं और आगे मूव करेगा, और इस पोजीशन पर आकर इस स्प्रिंग को वापस क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है कि नहीं बात आपको, ठीक है। तो अब इस स्प्रिंग के पास या फिर इस सिस्टम के पास वापस से क्या आ गई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस बार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आई है, कंप्रेशन की वजह से। यहाँ पर किसकी वजह से थी, एक्सटेंशन की वजह से। ठीक है, अब स्प्रिंग वापस इस ब्लॉक को धक्का मारेगा इस तरफ, और ब्लॉक वापस इस पोजीशन पर आएगा, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर फिर से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बेटा इन दिस पोजीशन, इन बिटवीन दिस पोजीशन आपके पास दोनों एनर्जी होंगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि स्प्रिंग कुछ तो कंप्रेस रहेगा और उसके और ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। क्लियर है बात आपको। अब यहाँ पर वापस आकर ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वापस इसी लोकेशन पर ब्लॉक पहुँच जाएगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इस तरीके से मोशन लगातार चलता रहेगा और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लगातार काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी लगातार आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बदलती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये सिस्टम देखिए पेंडुलम का, मैंने पेंडुलम को ऊपर ले गया मैं, तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज़ किया तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस से जीरो, और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इस तरफ मूव कर जाएगा और इस एंड पर मैक्सिमम चढ़ जाएगा। यहाँ पर इसके पास वापस क्या आ जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, और इस तरीके से ये ऑक्सीलेशन लगातार चलते रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लगातार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी लगातार काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से LC ऑक्सीलेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मैग्नेटिक एनर्जी लगातार किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं LC ऑक्सीलेशन को। आपके पास एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। कैपेसिटर आपके पास फुली चार्ज है, और अभी मैंने की को क्या रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है। दिस इज द सिचुएशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। समझ आई बात, टी इज इक्वल टू जीरो पर जो अपने पास एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। ठीक है, जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे तो करंट सर्किट में कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि ये इंडक्टर है तो ये करंट को तुरंत ही मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेने देगा। ठीक है, ये बढ़ते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर यहाँ पर इंडक्टर नहीं होता तो ये करंट सडनली मैक्सिमम वैल्यू ले लेता। ठीक है, तो धीरे 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 करंट क्या बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर। ठीक है, तो कैपेसिटर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिस्चार्ज, और जो एनर्जी सेटअप किस फॉर्म में हो चुकी है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो चुकी है। क्लियर है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी सेटअप हो चुकी है। ठीक है, देखो आप, करंट जब ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। क्लियर, समझ आई बात। तो टी इज इक्वल टू टी बाय फोर पर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इन बिटवीन दिस एनी टाइम टी जीरो से टी बाय फोर के बीच आपके पास सर्किट में दोनों एनर्जी होंगी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और कुछ एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब देखो कि
क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है, तो ये तो आगे से करंट छोड़ेगा नहीं, लेकिन जो सर्किट में करंट है वो तो मूव करेगा, ठीक है कि नहीं बात आपको। और वो करंट मूव करके यहाँ पर क्या ला देगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो करंट के अपोजिट कौन भागते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और धीरे धीरे जो सर्किट में करंट है वो भी क्या होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और अब किसका काम आएगा, आपका इंडक्टर का, इंडक्टर उस घटते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, और इंड्यूस करंट की वजह से करंट इस सर्किट में बना रहेगा। समझ आई बात आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि करंट जब घटेगा तो घटते हुए करंट की वजह से इसमें से फ्लक्स घटेगा, और उस फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस घटते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब इस सर्किट में अब मैग्नेटिक एनर्जी को यूज़ कर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो करंट इस सर्किट में मेंटेन रहेगा, क्लियर है बात आपको। और एक पोजीशन पर जब आप कह सकते हैं कि क्या होगा कि ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर पूरी तरीके से फिर से क्या हो जाएगा, चार्ज, बस एक ही अंतर होगा कि इस प्लेट पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है बात। देखो करंट बेटा अगर ऐसे मूव करेगा, समझ आई बात आपको, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इमेज है टी इज इक्वल टू टी बाई टू की, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर समय में फिर से जो एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब देखो एक समय के बाद जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, ख़त्म, और पूरी तरीके से कम्प्लीटली आपका कैपेसिटर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही कंडीशन आ गई है, देखो अभी जब ये कंडीशन आ जाएगी तो करंट सर्किट में से रुक जाएगा, क्लियर है बात आपको। तो ये फिर से वही वाली कंडीशन आ गई कि अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर है बात आपको। अब देखिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे, तो इस बार सर्किट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, समझ आई बात आपको। तो जिस तरफ इसमें इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई थी, तो इस केस में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, क्लियर है बात। और फिर से एक समय के बाद आप कह सकते हैं कि आपका मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। दिस विल बी द इमेज एट टी इज इक्वल टू 3T/4, क्लियर है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद फिर से क्या होगा बेटा, कि मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और स्टोर होगी कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मतलब वापस टी इज इक्वल टू टी पर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, क्लियर है बात आपको। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस तरीके से लगातार कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है बात आपको। अगर आप कोयल को रेजिस्टेंस लेस मानते हो तो लगातार एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती रहेगी, लेकिन कोई भी कोयल आपकी प्योरली रेजिस्टेंस फ्री नहीं होती है, तो हीट का लगातार क्या होगा, डिसिपेशन होगा, और एनर्जी लगातार क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी सर्किट, क्लियर है बात आपको। तो अगर आपको ऑक्सीलेशन को मेंटेन रखना है तो निश्चित तौर से आपको भारी रूप से एनर्जी को लगातार सप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है बात। तो स्टूडेंट्स अभी अभी आपने देखा कि एलसी सर्किट में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑक्सीलेट करती है किस में, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी किस में ऑक्सीलेट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अभी आपको इस पर्टिकुलर ऑक्सीलेशन की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, क्लियर है बात आपको। चलिए तो मैं एलसी सर्किट लेता हूं और मानता हूं कि इनिशियली कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज है, ठीक है। और जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, वहां से चार्ज घटना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेट एट एनी टाइम टी, यहां पर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज क्यू है, और सर्किट से इट इज़ इंडक्टर से करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एट एनी टाइम टी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखूँ तो वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू बाय सी, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड दिस इज ऑल्सो द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, एल डी आई बाय डी टी, क्लियर है कि नहीं है बात आपको, समझ में आई बेटा बात। अच्छा जी, अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर Q भी वेरिएबल है और I भी वेरिएबल है। एक समय के बाद Q घटना स्टार्ट करेगा और I बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रहे, तो मैं लेट I को रिप्लेस कर देता हूँ। तो I आपने पढ़ा है बेटा क्या, dQ by dt, लेकिन यहाँ पर आएगा क्या, माइनस dQ by dt, क्योंकि चार्ज लगातार घट रहा है। तो यही इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, Q by C is equal to L d by dt, और I की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस dQ by dt,
क्लियर है कि नहीं बात? तो अगर आप ध्यान से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एल डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी स्क्वेयर, मतलब डबल डेरिवेटिव में आ गया, और उधर लेके लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो क्यू बाय सी प्लस एल डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को आप एल से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू जीरो। समझ आई बात आपको? वेरी गुड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, और आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्यू की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बात आपको? ये क्या है, आपको अगर किसी भी टाइम पर सर्किट में से चार्ज निकालना है तो ये वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्यू की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसे आप 12th क्लास में सीखोगे आगे, ठीक है। अब इसको आगे आप सोल्व करोगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास आई भी आ जाएगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो कि एलसी ऑक्सीलेशन हमारे मैकेनिकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलर है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और क्लास 11th में हमने इसकी इक्वेशन भी और इसके रिजल्ट भी देखे हुए हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या होती थी, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात आपको? दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, और जब आप इसको सोल्व करते थे तो आपको ये मिलता था कॉस ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं बात आपको? ये इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, ये शायद ना भी बताई हो, लेकिन ये इक्वेशन इसी का रिजल्ट है। क्लियर है बात आपको? ये आपको मिलता था, और ओमेगा क्या होती थी, इनकी फ्रीक्वेंसी, और ये भी आपको पता है डेट विल बी इक्वल टू के बाय एम होती थी। समझ आई बात आपको? अब ध्यान से देखो कि जो दोनों इक्वेशन है वो सेम फॉर्म की है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बात आपको? तो दोनों का नेचर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कंपैरिजन कर सकता हूँ। क्या कंपैरिजन कर सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखो कि मैकेनिकल सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या इक्विवेलेंट है। एक्स डी एक्स बाई डी टी की जगह यहाँ पर क्या आता है, डी क्यू बाई डी टी आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एम की जगह क्या है, लेट आपका एल है। क्लियर है बात आपको? और के किसकी इक्विवेलेंट है, यहाँ पर वन बाय सी की इक्विवेलेंट है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ओमेगा, अगर मैं ओमेगा देखूँ, ओमेगा क्या है, अंडर रूट के बाय एम, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ओमेगा डैट विल बी इक्वल टू वन बाय एल सी। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तक आकर आपने छोड़ देना है, ठीक है। फिर आप एनालॉजी लगाएंगे मैकेनिकल सिस्टम के साथ, मैकेनिकल सिस्टम की ये इक्वेशन होती है और उसका सॉल्यूशन ये है, और उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये है, क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम है तो आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे और वहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो क्यू कितना आएगा, वहाँ से कंपेयर कर सकते हो, क्यू नॉट साइन या फिर कोस ओमेगा टी। साइन कोस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, साइनोसूडल है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज थ्रू द सर्किट, ठीक है, एंड दिस इज द चार्ज थ्रू द सर्किट एट एनी टाइम टी, ठीक है कि नहीं बात आपको? और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा सर्किट में से एट एनी टाइम टी। क्लियर है? तो एल सी ऑक्सीलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आई, अंडर रूट वन बाय एल सी। दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है कि नहीं बात आपको? मतलब एल सी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। देखो बेटा, एक बात निश्चित है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और मैग्नेटिक एनर्जी जो लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से तब कन्वर्ट हो पाएगी जब आपका सिस्टम फ्रिक्शनलेस हो। लेकिन सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो एनर्जी लगातार क्या होगी, कम होगी। और अगर आपको ऑक्सीलेशन को मेंटेन करना है तो बाहर से एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप बाहर से एनर्जी इस फ्रिक्वेंसी पर सप्लाई करते हैं तो इफेक्ट क्या होंगे, मैक्सिमम। क्लियर है बात? तो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।